नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशराज, फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस असिस्टेंट फ्रॉम एबीपीजीएमसी विदिशा। वेलकम बैक टू माय 247। तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और डिसीजन हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहा है। मैंने यह ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पकड़ के बैठ गए हैं कि डिसीजन हमारे फेवर में नहीं है, अब हम क्या करें। तो गाइस, मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल बात बताना चाहूंगा कि अब हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हुआ। हमें जो एफर्ट्स करने थे, हमने मेल्स किए, ट्वीट्स किया, लेकिन हमारे फेवर में डिसीजन नहीं रहा। अब हमें क्या करना है? अब यार गाइस, प्लीज इस बात को आप पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि जो बंदा इस बात को पकड़ के बैठ गया, उसने चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, वो पीछे रह सकता है इस मैराथन में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को यह ऑब्जर्व किया है कि ठीक है यार, जो डिसीजन आ रहा था आ गया, एग्जाम तो हमें देना है, हमने 2 साल मेहनत की है, कुछ लोगों ने 3 साल भी मेहनत की है, पर जो डिसीजन आना था आ गया, लेकिन अब हम एग्जाम देंगे और सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए एग्जाम देंगे, और एग्जाम देंगे प्लस सिलेक्शन भी लेंगे। क्यों? हमने मेहनत तो की थी, सिलेक्शन लेना तो बनता है। तो चलिए जी, आज की वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये कुछ 20 से 25 दिन का ड्यूरेशन रह गया है, इस ड्यूरेशन में क्या मेंटेलिटी रखें, क्या माइंड सेट रखें, कैसे नेगेटिविटी को अवॉइड करें, और उस दिन 13 सितंबर वाले दिन हम अपना कैसे बेस्ट दे पाए और सिलेक्शन ले पाए। चलिए जी, पहला पॉइंट यहाँ आता है टाइमिंग। टाइमिंग का मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? बात कर रहे हैं टाइमिंग की। एक्चुअली होता क्या है, कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल से यहाँ मेरा मतलब है वो रात को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू डे टाइम। और हमारा एग्जाम हम जानते हैं 2 से 5 बजे के बीच में है। अब एक्चुअली उन लोगों के साथ होता क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर रखी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर रखी होती है, पर एग्जाम जो 2 से 5 होता है वो उनका होता है सोने का टाइम। अब उस टाइम उनका कंसंट्रेशन लेवल पीक पर नहीं हो पाता है, वो लेजीनेस फील करते हैं एग्जाम वाले, उन्हें नींद आती है, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो गाइस, हमें ये गलती नहीं करनी है। जो भी तुम में से नॉक्टर्नल है, रात को पढ़ने की आदत है, सुधार लो। किसी भी आदत को सुधारने के लिए या बनाने के लिए लगते हैं हमें 21 days। 21 days are enough to make habitual of anything। यदि हम आज से ट्राई करते हैं कि नहीं यार, अभी तक हमें रात को पढ़ना था, अच्छी बात है, इट्स वेल एंड गुड, अभी भी रात को पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये 2 से 5 के बीच में आप प्लीज सोइए ना, उससे पहले सो लो, उसके बाद में आप रेस्ट कर सकते हो, नो इशू। पर ये जो 2 से 5 के बीच में टाइम है, आप पेपर से लगाइए। बट ऑब्वियस है, लास्ट का टाइम चल रहा है, पेपर तो सब लोग लगाएंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो भी है, जितना कोर्स हो गया है, ये लास्ट के कुछ 10 से 12 दिन है, आप पेपर लगाना शुरू कीजिए, पेपर लगाइए, उन्हें एनालाइज कीजिए, ये आपके मार्क्स में इंक्रीज करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए जी, तो टाइमिंग का यहाँ हमारा क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट आता है मास्क। कोरोना टाइम चल रहा है, एग्जाम देने तो जाएंगे, बिना मास्क के क्या कोई हमें एग्जाम में बैठने देगा? नहीं। तो हमें क्या करना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी यह रहती है कि यार 13 सितंबर को एग्जाम है, उसी दिन हम मास्क लगा लेंगे और एग्जाम दे लेंगे। तो यार, कहना आसान होता है, करना नहीं। जितना आसान तुम लोग समझ रहे हो कि हम जाएंगे और 3 घंटे मास्क लगाकर एग्जाम दे देंगे, उतना आसान नहीं है। हमें बहुत ज्यादा सफोकेशन होने वाली है उस दिन, उस सफोकेशन से हमें फ्रस्ट्रेशन होगा, और फ्रस्ट्रेशन हुआ तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल गिरेगा, और कंसंट्रेशन लेवल गिरा तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, और ऐसा हमें करना है नहीं। तो करना क्या है हमें, सुनो बहुत ध्यान से, मैं बोल चुका हूं, किसी भी आदत को लगने में या हटाने में लगते हैं 21 दिन। हमारे पास 20 से 25 दिन है यार, डेली तुम लोग पेपर से लगा ही रहे, तो घर में ऐसी प्रैक्टिस करो कि मास्क पहन के तुम लोग पेपर दो। मैंने माना आप पहले दिन ट्राई करोगे, आप 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली नहीं लगा पाओगे, आधे घंटे तो लगाओगे, 1 घंटे तो लगाओगे, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे यदि आप 21 दिन तक की आदत अपनाते हो तो 13 सितंबर तक आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, और बहुत आराम से आप कंफर्टेबली एग्जाम दे पाओगे। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ता है। तो आज आप इस समय इस ड्यूरेशन में थोड़ा अनकंफर्ट फील कर लो, यदि उस दिन आप अच्छे कंफर्ट फील करते हो, खुद का कंसंट्रेशन लेवल पीक पर रखते हो, तो आप बट ऑब्वियस है कि एग्जाम में इतना अच्छा दे पाओगे, अच्छा इन द बेस्ट दे पाओगे, क्योंकि ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। तो चलिए जी, ये बात हमारे समझ में आ गई, मास्क का हमें अभी से यूटिलाइज करना है, और टाइमिंग पर भी हमें ध्यान देना है।
तीसरा पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे ट्वीट्स भी आ रहे थे कि यार स्टूडेंट में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। ये तक न्यूज आई है कि 6 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। क्यों यार, ऐसा क्यों? ये एग्जाम ही तो है और अभी 20 से 22 दिन बहुत होते हैं, इसकी तैयारी नहीं है, वो तैयारी भी कर सकता है, और ऐसा क्यों सोच रहे हो? कोरोना होगा हमें, गवर्नमेंट ने कुछ सोच के कराया एग्जाम तो कुछ तो सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए होंगे। बाकी हम भी एक पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जाम देने जाएंगे, जितनी हमारा जितना हमारी तरफ से हो सकता है उतना हम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेंगे। हम टाइम टू टाइम पे खुद को सैनिटाइज करते जाएंगे, प्लस हम मास्क का यूज करेंगे। मास्क से मैं बता चुका हूँ कि आप हैबिचुअल हो जाइए, क्योंकि मास्क उस दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिविटी की बात चल रही थी, नेगेटिविटी यार बिल्कुल मत रखो अपने अंदर, क्योंकि नेगेटिविटी जहाँ होती है तो वहाँ एक हमारा माइंड सेट बिगड़ता है, और माइंड सेट बिगड़ता है हमारा तो हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, और जो हमारी तैयारी है हम उसमें अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तो प्लीज यार नेगेटिव मत रहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट आता है हमारा पॉजिटिव माइंड सेट। यार तुमसे हमारा रिक्वेस्ट है, ये समय ऐसा है, थोड़ा माइंड सेट को अपना पॉजिटिव रखो, और फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ाई करो, कूल रहो, और पॉजिटिव माइंड सेट से मेरा मतलब ये है कि अपनी मंजिल को मत भूलो। क्या कोरोना हमसे हमारा एग्जाम ले सकता है? कहने का मतलब ये है, क्या कोरोना हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगने से रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। कोरोना है नो इशू, जो डिसीजन आया था आ गया, एग्जाम देने जाएंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। यू शुड हैव दिस पॉजिटिव माइंडसेट, इस पॉजिटिव माइंडसेट को रखो कि यार कोई नहीं, मैंने मेहनत की है, 2 साल कुछ लोगों ने 3 साल मेहनत की है, मैं एग्जाम देने जाऊंगा, सिलेक्शन लूंगा। मेहनत तो हमने की है, उसे बर्बाद तो नहीं होने देंगे ना यार, सिलेक्शन तो हमें लेना ही लेना है। तो अपने माइंडसेट को हमें कैसा रखना है? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, तो आज की वीडियो में यही कुछ बताना था कि यार माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, अपनी मंजिल को मत भूलो। तुम्हारी क्या मंजिल है? तुम्हारी मंजिल है डॉक्टर बनना, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना। तो ये सफर बस कुछ 20-22 दिन का और रह गया है यार, इस सफर पर चल लो क्या मैं तो कह रहा हूँ, दौड़ लो इस सफर पर, एक मैराथन है, थोड़ा सा और इस सफर को पूरा कर लो, बहुत आसानी से हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। और एक बार मंजिल मिल गई तो डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी गाइस बेस्ट ऑफ लक, आई एम विद यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे और अच्छी आपके लिए मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल प्लस लेक्चर्स की वीडियो में अपलोड कर पाऊँ। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।